भी प्रोडक्ट को बनाती है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक चैनल होता है जो 70 साल पहले पूरी दुनिया में था, एक रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएफ एजेंट और उसके ऊपर एड। जो प्रोडक्ट आपको 100 मिलता है 55 में प्रॉफिट के तैयार होता है, बीच का 45 इनमें चला जाता है एक सिस्टम के तहत। तो मैं कहता हूं ये प्लान बुरा नहीं था। बहुत लोग कहते हैं सर ये हमारा पैसा ये ले रहे हैं, इन्होंने पैसा लगाया क्यों नहीं लेंगे? आपको 55 का 55 में चाहिए तो कई अरब रुपया लगा के प्रोडक्शन चालू करो ना। अब आपके पास पैसा भी नहीं है फिर कह रहे हो ये पैसा क्यों लेते हैं। सिस्टम ठीक था, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी ये पूरा पैसा देने के बाद इसको प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलता था। सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम था कि इसको पैसा पूरा देने के बाद चीज सही नहीं मिलती थी। इसलिए आज भी देखो दुकान पर जाने के बाद ग्राहक एक बात पहले पूछता है, ओरिजिनल ही है ना? इसका मतलब हर चीज का डुप्लीकेट बनता है हर चीज का, यहां तक कि दवाइयां भी आज डुप्लीकेट बनती है। yes. मेरे को आज भी याद है, मैं एक फ्रेंड ने मेरे को कहा दिनेश उधर जा रहे हो तो एक डाइक्लोबिन प्लस टेबलेट आती है सर दर्द की, बोले वो ले आना 10 टेबलेट और 10 रुपए की 10 मिलती है। तो मैंने मेडिकल वाले को कहा भाई डाइक्लोबिन प्लस दे दो, बोला कौन सा वाला दो? तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा डाइक्लोबिन प्लस ही चाहिए, बोले कौन सा वाला चाहिए, एक 10 का 10 है वो चाहिए या एक 2 रुपए 50 पैसे का 10 है वो चाहिए? मैं आश्चर्य में आ गया, मैंने कहा ये इतना अंतर क्यों? बोले ये असली है, ये नकली है। मैंने कहा ये काम नहीं करता, बोले ये तो हमें भी नहीं पता पर ये नकली है। तो मैंने उसको पूछा तुम इसे क्यों बेचते हो? बोले इसे हम इसलिए बेचते हैं ये हमें 50 पैसे में मिलता है, 2 रुपए 50 पैसे में बिकता है, ये हमें 9 में मिलता है, ये 10 में बिकता है, इसमें हमें 1 का इनकम होता है, इसमें हमें 1.5 का इनकम होता है 2 का, और ये ले जाने के बाद ग्राहक दोबारा यही लेने आता है क्योंकि ये तो काम करता नहीं, तो हमें डबल फायदा हो जाता है। उस दिन मेरे को आश्चर्य हुआ जिस चीज से आदमी की लाइफ जुड़ी हुई है वो नकली मिलता है। बहुत सोचने का विषय है, ये 70 साल पहले पूरी दुनिया में प्रॉब्लम थी, 70 साल पहले इस प्रॉब्लम का एक रास्ता निकला, इनको बीच में से हटा। इन लोगों ने विरोध किया कि भाई हमें प्रोडक्ट कौन देगा, कंपनी ने कहा मैं डायरेक्ट आपके हर शहर में आने वाले टाइम में प्रोडक्ट अवेलेबल कराऊंगी और एक सिस्टम के तहत ये पैसा आप में बांट दिया जाएगा। वहां से इस सिस्टम का नाम DSM रखा गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कंफ्यूज करता है, बहुत लोग आपसे प्रश्न भी करते हैं, मैं आज थोड़ा सा वो कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका। आप अपने प्लान में सब सीनियर लोग दिखाते हैं, इस प्लान में ये चीज दिखाते हैं आप क्या 80 और 20? yes. दिखाते हैं आप सीनियर लोग? हाँ सर। yes. क्या है ये 80-20 का गणित? कोई बताएगा? हाँ, 80% गरीब लोग और 20% अमीर लोग, ये आप अपने प्लान में दिखाते हो। अच्छा 10 साल पहले आपने क्या सुना था, 60% गरीब लोग थे 40% अमीर थे? नहीं सर, यही सुना था 20 साल पहले, 40 यही 40 साल पहले दूध 3 था आज 50 है, पेट्रोल 10 था 70 है, 40 साल पहले 500 रुपए में पूरे घर वालों के कपड़े आ जाते थे आज एक बच्चे के नहीं आते। यानी सब आंकड़े बदले हैं, ये नहीं बदला। इसका मतलब ये बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा? ये रूल है दुनिया का, रूल बदलते नहीं। क्या रूल है ये आज समझे, इस दुनिया का, इंडिया का नहीं, इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों की जेब में है, था रहेगा, ये रूल है। बचा कितना पैसा लेने वाले? ये 80% लोग इस 20% पैसे के लिए झगड़ रहे हैं, झगड़ रहे थे, झगड़ते रहेंगे, ये रूल है, बदलेगा नहीं। किसी बॉल को ऊपर फेंको किधर जाएगी? क्यों आएगी? रूल है। वेस्ट बंगाल में ऊपर फेंको तो नीचे आएगी ना, गुजरात में नीचे आएगी। एक बार एक व्यक्ति बिहार में मेरे को होटल में मिलने आया मीटिंग के बाद, मेरे को बोलता सर बॉल को ऊपर फेंकते हैं ये नीचे ही क्यों आती है?
मैंने कहा ऊपर कोई पकड़ता नहीं। अरे ये इसीलिए नीचे आ जाती है, ये रूल है, तो ये रूल है, बदलेगा नहीं। बदलना है आपको, बदलना पड़ेगा। और इस दुनिया का एक ही नियम है, ध्यान से सुनना, अगर आपको अपने सपने, अपने बच्चों के सपने, अपने माता पिता के सपने पूरे करने, तो इस भीड़ से निकलना पड़ेगा और इन लोगों में शामिल होना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन चाहते हैं, yes. तो मैं दूं फार्मूला, yes. कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां से जाओ। एक सेकंड लगा, एक सेकंड ही लगा, कितनी देर लगी, ये निकले, ये इधर चले गए, हो गया काम। क्या लगता है ये आसान गेम है? ये आसान गेम नहीं है, संभव है, आसान नहीं है। आसान होता हर व्यक्ति कर लेता, क्यों नहीं किया, ये करना नहीं चाहता। क्या ये जानता नहीं? सब जानता है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है। समस्या बताऊं क्या है? बताऊं समस्या? यस सर। आप किसी भी जानवर को, किसी भी जानवर को, एक्स वाई जेड, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, शेर, उसको उठा के पानी में डाल दो, किसी नहर में, नदी में, क्या करेगा? पानी के बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद पता उसका क्या मैसेज है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं अच्छा था, तुमने पानी में जबरदस्ती डाला, मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा हो गया। इनके साथ क्या समस्या है? ये मीटिंग में आते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, हॉल के बाहर निकलते बहुत बड़ा समस्या है। आपको क्या लगता है, जिन रॉयल्टी अचीवरों को अभी आपने बुलाया था, ये इसी भीड़ का हिस्सा थे? ये दिनेश चौधरी उसी भीड़ का हिस्सा था आज के 17 साल पहले। बस हम लोग क्यों आज यहाँ हैं? क्योंकि जिसने भी हमें 5 साल हर महीने इसके बारे में जो बताया, वो हमने अंदर जाने दिया, और यही कारण है कि आज वो चेयर हमारी नहीं, ये स्टेज हमारा। yes. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का भी मीटिंग हो अगले 5 साल, जो वो बताता है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, बट किंतु परंतु कुछ नहीं, जो वो कह रहा है यस, फिर आप देखना 5 साल बाद चमत्कार क्या होता है। क्लियर है? यस सर। यहां से इस सिस्टम का सफर स्टार्ट होता है, जैसे आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं फर्स्ट टाइम, जो आपके डॉक्यूमेंट है, आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक का या तो प्रिंट किया हुआ चेक जिसमें आपका नाम हो, या आपका पासबुक का जिसमें IFSC कोड सब क्लियर हो, जैसे आप सबमिट करते उस प्रोडक्ट को परचेस करते, कंपनी आपको 7 जनरेशन तक एक परमानेंट नंबर दे देती है, जो 7 पीढ़ियों तक नहीं बदलता। 7 जनरेशन वो परमानेंट नंबर आपका रहेगा। उसके बाद अगर आपको इस सिस्टम में सीरियसली अमीर होना है, सीरियसली, तो सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट यूज करें। कितने लोग सीरियसली अमीर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं उठाए, उनका गलती नहीं है। पता है क्यों? पता है कारण क्या है? मैं फिर आपको कहता हूं, ये 2019 है, ये देश अब 47 वाला नहीं रहा। अपने आप को अपडेट करो, ये दुनिया बदल चुकी है। हमारे साथ पता गलती क्या, क्यों हमने क्यों नहीं उठाया? और मैं कहता हूं ये सिस्टम उन्हीं के लिए काम करेगा जिनके बहुत बड़े सपने हैं, जिनके सपने मर चुके हैं, या जिनके छोटे सपने, उनके लिए ये सिस्टम काम ही नहीं करता। किनके लिए काम करेगा बताओ? कैसा सपना होना चाहिए? yes. जो जमीन पर बैठकर आसमान में जाने की सोचता है, yes. उनके लिए ये सिस्टम काम। और उन्होंने हाथ उठाया, उठाया किसने नहीं, जो है 19 में पर सोचते 47 वाला है। जैसे थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, ये पुरानी कहते हैं देश की, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए।
क्या लाए थी क्या ले जाओगी, जो लिया यहीं से लिया यही देना है, और सस्ता है फिर क्या काम है, फिर क्यों कमाना है जब इधर लिया इधर ही देना है। ये सिस्टम उनके लिए काम करेगा जिनकी चाहत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा विजन है। कितना बड़ा होना चाहिए और क्या गड़बड़ होता है थोड़ा समझे आप। यस सर। यस। फोर्ड के मालिक जब पहली बार अमेरिका गए, एक फाइव स्टार होटल में रुके थे फिफ्थ फ्लोर पर, तो उनका कोई डीलिंग था किसी बिजनेसमैन के साथ, जैसे आज हम लोग डीलिंग कर रहे हैं आप, तो उनको भी किसी से कोई बातचीत करनी थी, तो उन्होंने सोचा मैं वेलकम करने के लिए, जैसा आप लोगों ने आज मेरा किया, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट को पूछा भाई कुछ फूल मिलेंगे, तो होटल मैनेजमेंट बोलता है सर फूल तो नहीं है, आप क्यों अरेंज करा देंगे, तो बोलते नहीं नहीं ठीक है फिर मैं अपनी पसंद से लाता हूं। तो उन्होंने फिफ्थ फ्लोर से चारों तरफ देखा, उनको कहीं फूल नजर नहीं आए, उनको लगा पास में हो तो मैं जाके ले, फिर उनका निगाह अचानक नीचे गया, तो एक टोकरी में थोड़े से फूल रख के एक आदमी थोड़ी सी गैप से सो रहा था, तो उनको लगा शायद इसका मालिक कहीं गया, इसी से पूछ लिया जाए भाई इसका मालिक कहां है। वो उतर कर आए लिफ्ट से, नीचे आके उसको उठाया, भाई ये फूल वाला कहां है, बोले मैं ही हूं, बोले तू सो रहा है, बोले तो क्या हुआ, बोले तेरा भी नुकसान हो जाता, वो तो मैंने ध्यान कर लिया, तेरे को जागना चाहिए, तू बिजनेसमैन है, तू जागता मैं तेरे से फूल खरीदता, पता नहीं कितने ग्राहक ये सोच के चले होंगे मालिक नहीं है। तो बोले उससे क्या होता, बोले उससे तेरा ज्यादा पैसा जनरेट होता, बोले फिर क्या होता, बोले कल ज्यादा फूल खरीदता ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाता, बोले फिर क्या होता, बोले फिर और ज्यादा फूल बिकते कल बड़े टोकरे में फूल आते और ज्यादा पैसा कमाता, बोले फिर क्या होता, बोले फिर तेरी एक यहाँ छोटी दुकान होती सारे एरिया के लोग तुझसे फूल खरीदते, बोले फिर क्या होता और ज्यादा पैसा कमाता, बोले फिर एक बड़ी दुकान होती तेरी यहाँ सारी वैरायटी के फूल रखता और ज्यादा बिकते, बोले फिर क्या होता और ज्यादा पैसा कमाता, बोले फिर क्या होता, बोले फिर तेरा अमेरिका में बहुत बड़ा स्टोर होता और तू फूल वाला सबसे अमीर आदमी अमेरिका का होता, बोले फिर क्या होता, बोले उसके बाद ज्यादा पैसा कमाने के बाद फिर आराम करता, बोले वो ही कर रहा हूं, बोले उसके लिए इतना घूम के आना पड़ेगा। उसके लिए ये सिस्टम काम नहीं करता। भाई आप सोचोगे 500 आएगा, 1000 आएगा, 50,000 आएगा, लाख आएगा, 2,00,000 आएगा, 10,00,000 आएगा, 50,00,000 आएगा, करोड़ आएगा, फिर आराम करना, बोले उससे पहले चल ही रहा है ना, आराम ही करना है तो वो आज भी है। तो ड्रीम बड़ा है। यस सर। यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा 100%।